नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार में विकास संभव एवं पंडित जी लोग भी भाजपा को ही वोट करेंगे, विमल पाठक। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में नगवा के विमल पाठक, पूर्व प्रधान एवं प्रधान संघ के आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष, ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। बलिया आज तक विकास के मामले में पिछड़ा, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट में बलिया विकास हो रहा है। पंडित जी चाहे कोई भी हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, जात पात पर वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रहित में वोट करेंगे। मैं विमल कुमार पाठक, शहीद मंगल पांडे के पैतृक गांव नगावा के पूर्व ग्राम प्रधान और सीआरपीएफ से रिटायर, ये लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी अपने अपने पार्टी में प्रत्याशी कर दिए, परंतु अभी जो प्रत्याशी आए हुए हैं इंद्र से लक्ष्मी बाबा से, तो परंतु ये कहा जा रहा है कि पंडित जी एक तरफा सत्ता भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि टोटल पंडित ब्राह्मण की जो बातें चल रही है, मैं भी देख रहा हूँ मोबाइल में कि लोग लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा का मूल वोट ब्राह्मण, बनिया और ये क्या नाम है ठाकुर, ये सब जाति भाजपा के पक्का वोटर है। जात के नाम पर वोट देना हमारे लिए उचित नहीं लग रहा है कि कोई नाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। मैं अपने गांव में, मेरा टोटल ब्राह्मणों का गांव, इसमें ब्राह्मण, मुसलमान और यादव, ये तीन ही जाति हमारे गांव में है। तो भाई, दो जाति का तो पक्का पता है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग अभी इच्छुक हैं भाजपा को वोट देने के लिए। और रही ब्राह्मणों की बात, तो हमारा गांव है, आप पढ़े लिखे यहाँ लोग हैं, ये बहुत अच्छा मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। ये तो जिस दिन बक्सा खुलेगा वोट होगा, या नीरज शेखर जी जिस दिन नगावा में आएंगे, उस दिन उनको पता लगेगा कि नगावा के ब्राह्मण किधर हैं। अभी तो कहने के लिए कह दे कि हाँ भाई, नगावा पूरा एक तरफ है जात के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं, जात के नाम पर वोट नहीं है, वोट है मोदी जी के नाम पर। मतलब मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी वोट करेगा, ऐसा काम किए, काम आपको 10 गिना दूं अभी हाथ में। पहले ले लीजिए अभी बिजली का ये पोजीशन था कि दो दो दिन तक बिजली नहीं आती थी, कोई भी आदमी बता दे कि योगी जी के सरकार के पहले इतना बिजली रहती थी, पहला बात। दूसरी बात, किसानों के लिए लेखपाल के पीछे पीछे चेक कटवाने के लिए घूमना पड़ता था कि हमारे काट दीजिए, हमारे गांव के 10 आदमी 5 आदमी रहते थे, वो लेखपाल को अपना लिस्ट दे देते थे और वही लेखपाल उनको देता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, हरिजन हो, यादव हो, सबको सही टाइम से सही खाते में चला जाता है पैसा, इसमें कोई नहीं कह सकता कि कहीं किसी की हेर फेर है। तीसरी बात, राशन प्रणाली ऐसे कर दिया गया है, कोई भी आदमी जाइए अपना अंगूठा लगाइए, कोई फर्जी की बात नहीं है, आपको मिलेगा। और देखिए कि पूरा इतना बड़ा लोकतंत्र देश में, इतना बड़ा जहां कितना आबादी है हमारे देश की, 100 करोड़ है, सबको फ्री राशन मिल रहा है। कोरोना को देखते हुए मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, कहाँ लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी जो हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही है ना। बात तो करने के लिए कर रहे हैं, हम भी मोबाइल में देख रहे हैं कि लोगों ने क्या क्या बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में जो बातें हैं वो कुछ और है। ये तो वोट होगा उसी दिन पता चलेगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है, चाहे आपके भी गांव के जाने जगह पंडित जी हो, चाहे जो भी हो, सब जनता पार्टी को वोट करेंगे। अभी तक तो देखिए, जो हमारे ब्राह्मण में जो सपा के तरफ है वो हैं, और वो शुरू से हैं और रहेंगे, हमने उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे यादव भाई हैं, वो हैं तो हैं, हम हैं नीरज शेखर के साथ में तो हैं, लेकिन हमने गांव में कई लोगों से ऐसे बात किया कि क्या ऐसी बात है, और वो लोग भी आकर के हमारे यहाँ बात किए कि प्रधान जी, मैं बोला
आप लोग एकदम स्वतंत्र हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो कमल हैं तो कमल देंगे, चाहे उसके लिए अनिका चौधरी आ जाए, चाहे राम गोविंद चौधरी आ जाए, चाहे मायावती भाजपा से आ जाए, हम उन्हीं को देंगे, हमारे को कोई मतलब नहीं। लास्ट सवाल ये है, विकास के मामले में पिछड़ा जिला गिना जाता है, घाटी की भूमिका सांसद ये तो सही बात है कि जितना बनिया का विकास होना चाहिए ये कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बनिया का विकास वीरेंद्र सिंह मस्त ने जितना किया अपने कार्यकाल में, ये अभी आगे दिखाई देगा। ग्रीन फील्ड में भी भाई जब रोड रहेगा, जब ट्रांसपोर्ट का साधन रहेगा तभी विकास होगा। शहर में इतना जाम चल रहा है, इसके लिए जो चौड़ीकरण का जो मालदेवपुर से यहाँ तक कराया है, जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए हम बनारस से आया करते थे, वो सब सारी ट्रेनें बलिया आकर के रुक रही है। रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ, बलिया से लगा करके और आरा तक पटना तक जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, उसका जमीन भी एक्वायर हो गई है। तो 5 साल में इतना काम हुआ, इसके पहले क्यों नहीं किया 70 साल में इतना विकास लोगों ने? धीरे धीरे कर रहा है तो वीरेंद्र सिंह मस्त नहीं कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत से, अपने पैरवी से, अपने व्यवहार से इन्होंने लेकर के आया। आज कहने का तात्पर्य ये है तो मोदी राज में विकास की एजेंडा है, विकास हो रहा है, हो रहा है, विकास का हुआ है। क्या कहेंगे पब्लिक से और क्या देंगे? हम तो यही कहेंगे सबको कि ये सब गलत बात है, एक जात धर्म के नाम पर कोई ऐसी टिप्पणी उल्टी सीधी नहीं करे, सब स्वतंत्र हैं, सब समझदार हैं, आज के युग में सब पढ़े लिखे हैं, जिसको जहां अच्छा लगे सब टीवी देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखिए, हमारे कई मित्र हैं ठाकुर तो हम उनके साथ में हैं, कई हमारे भाई ब्राह्मण हैं जो हमारे खिलाफ में हैं,